गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स इंग्लिश मीडियम. वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर फर्स्ट चैप्टर फूड. इन लास्ट टू लेक्चर वी हैव सीन दैट फूड इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस एंड द सोर्सेस फ्रॉम वेयर वी गेट फूड. टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फूड दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. सो कल हमने देखा था कि जो फूड के दो सोर्स होते हैं, एक एनिमल और दूसरा होता है प्लांट्स. आज हम उनमें से एक को यानी प्लांट्स को रीड करेंगे कि प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं या प्लांट्स के थ्रू हमें कौन कौन सा फूड मिलता है. फूड फ्रॉम प्लांट्स. द पार्ट ऑफ प्लांट दैट कैन बी ईटन आर कॉल्ड एडिबल पार्ट्स. एडिबल पार्ट्स मतलब द पार्ट ऑफ प्लांट दैट कैन बी ईटन इज कॉल्ड एडिबल पार्ट्स. एडिबल पार्ट वो पार्ट होता है प्लांट का जिसे हम खा सकते हैं या जो हमें फूड के रूप में जो खाने लायक पार्ट जिसे बोल देते हैं वो क्या है, एडिबल पार्ट है. प्लांट्स में एडिबल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं. द फूड वी गेट आइदर अ रूट लीफ स्टेम फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. जो एडिबल पार्ट्स हैं वो कोई भी हो सकता है, लीव्स भी हो सकती हैं, रूट भी हो सकता है, स्टेम भी हो सकता है और फ्रूट्स भी हो सकते हैं. अलग अलग जो प्लांट्स हैं उनका एडिबल पार्ट भी अलग अलग होता है. कुछ प्लांट्स में हम रूट खाते हैं, कुछ प्लांट्स के जो है वो स्टेम एडिबल पार्ट होता है, कुछ प्लांट्स का फ्रूट एडिबल पार्ट होता है और कुछ में लीव्स एडिबल पार्ट्स होता है. सो अब हम जो है वो कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि एडिबल पार्ट्स हैं वो कौन से प्लांट्स का क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल रूट हम देखेंगे कि जो रूट है वो किन प्लांट्स में जो है वो एडिबल पार्ट होता है. बीट रूट, रेडिश, कैरेट, टर्निप, ये सारे क्या हैं, बीट रूट, रेडिश, कैरेट एंड टर्निप ये सारे क्या हैं, ये रूट, इन सारे प्लांट्स के अंदर जो रूट होती है वो क्या होती है, एडिबल पार्ट होती है. रेडिश यानी जो कैरेट, गाजर, मूली, शलजम ये जो या बीट रूट है ये इन सब में क्या होता है, जो एडिबल पार्ट कौन होता है, रूट होती है. इन सब का एडिबल पार्ट रूट होता है. लीव्स देखते हैं, स्पिनच, लेट्यूक, कैबेज, फनग्रीक लीव्स इन सब का क्या होता है एडिबल पार्ट, लीव्स होती हैं. इन सब का एडिबल पार्ट क्या होता है, लीव्स होती हैं. इनकी हम जो लीव्स को हैं वो फूड के रूप में खाते हैं. अब हम देखते हैं कि जो किन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें एडिबल पार्ट स्टेम होता है. पोटैटो, शुगर कैन, अनियन एंड जो जिंजर वगैरह हैं इनमें क्या होता है, एडिबल पार्ट स्टेम होता है. हम जो है इनकी स्टेम को हमारे फूड के तौर पे खाते हैं. फिर नेक्स्ट आता है फ्लावर्स, ब्रोकली, पम्पकिन, कॉलीफ्लावर ये सब क्या है, इन सब का एडिबल पार्ट कौन सा होता है, फ्लावर होता है. इन सब में हम जो खाते हैं वो कौन से पार्ट्स होते हैं, फ्लावर पार्ट जो है हम उनका खाते हैं. अब नेक्स्ट है फ्रूट्स. हमने देखा है कि हम बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के फ्रूट लेते हैं, एक टाइप का फ्रूट नहीं होता, अलग अलग टाइप्स के होते हैं. कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा जूसी होते हैं, कुछ फ्लैशी होते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं. तो जो फ्रूट्स में है वो अलग अलग टाइप्स के फ्रूट्स होते हैं, एक टाइप का फ्रूट नहीं होता है. मैंगो, एप्पल, बनाना, पपाया, वाटरमेलन ये सारे क्या हैं, फ्लैशी फ्रूट्स हैं. मैंगो, एप्पल, बनाना, पपाया, वाटरमेलन आर फ्लैशी फ्रूट्स. फ्लैशी मतलब रसीले, ये काफ़ी हमने खाते हैं ना, काफ़ी जूसी होते हैं या मतलब ये काफ़ी रसीले होते हैं, इनका टेस्ट काफ़ी मीठा मीठा होता है. तो ये क्या है, फ्लैशी फ्रूट्स हैं. फिर वॉलनट्स, फिग, सल्टनट एंड आमंड्स आर ड्राई फ्रूट्स. ये जो वॉलनट, फिग वगैरह होती हैं, आमंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, ड्राई फ्रूट होते हैं. इन्हें हम डायरेक्ट भी खाते हैं और कुछ जो है हम इनमें जो हमारा कुक्ड फूड होता है उसमें भी हम क्या ऐड करके इनको खाते हैं. तो ये सारे क्या हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं. नेक्स्ट है ऑरेंज, लेमन, गूसबेरी आर सिट्रस फ्रूट्स. सिट्रस फ्रूट्स कौन से होते हैं, रसीले फ्रूट्स या जो जूसी होते हैं बहुत ज़्यादा, जो जिनमें क्या होता है, जूस होता है, वो कौन से फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस या खट्टे फ्रूट्स जिन्हें बोलते हैं हम, वो होते हैं. सिट्रस मतलब होता है खट्टा.
जो ऑरेंज है वो भी खट्टा होता है, लेमन है, गुसबेरी है, वो क्या होते हैं, एक तो ये बहुत ज़्यादा मतलब जूसी होते हैं और ये खट्टे होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं। फिर है फ्रूट्स लाइक एप्पल कंटेंट्स फाइबर विच हेल्प्स इन फ्रूट्स लाइक एप्पल कंटेंट्स फाइबर रफेज विच हेल्प्स इन फ्लशिंग आउट द अनडाइजेस्टेड फूड। जो फ्रूट हैं एप्पल हैं जैसे, या जो अदर फाइबर कंटेन जो फ्रूट्स करते हैं, वो हमारी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे उसके फ्लशिंग आउट में हेल्प करते हैं। जो अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी के अंदर रह जाता है उसे हमारी बॉडी से आउट करने में हेल्प करते हैं। कौन से फ्रूट? जो फाइबर्स कंटेन करते हैं, लाइक एप्पल। एप्पल में कौन सा फाइबर होता है? रफेज होता है। तो आज हमने जो है वो प्लांट्स के थ्रू हमें मिलने वाले फूड के बारे में स्टडी किया, जिसमें हमने देखा कि एडिबल पार्ट क्या है। एडिबल पार्ट क्या था? द पार्ट ऑफ प्लांट दैट कैन बी ईटन इज कॉल्ड एडिबल पार्ट्स। सारे प्लांट्स के लिए एडिबल पार्ट जो है वो अलग अलग होता है। कुछ में लीव्स होती हैं, कुछ में फ्रूट्स होते हैं, कुछ में जो है वो रूट होती है, कुछ में स्टेम्स होते हैं। फिर हमने एग्जाम्पल्स देखे कि किन प्लांट्स में एडिबल पार्ट जो है वो फ्रूट है, लीव्स है, स्टेम है या रूट है। तो आप अपनी बुक से जो है वो इनके एग्जाम्पल्स को याद कर ले। आप जब अपनी बुक से इन एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे तो ये आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। तो आज हम जो है वो इतने ही टॉपिक करेंगे। हम इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप अपनी बुक से एक बार जो इन टॉपिक्स को रीड कर लीजिएगा। कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं जैसे पोटैटो, शुगर कैन वगैरह, या जो कैरेट है या अनियन वगैरह है, या जो फ्रूट्स हैं वो क्या है, डेली यूज़ में हम लेते हैं। मोस्टली हम काफ़ी चीज़ें जो है वो कॉमन होती है, तो अगर उन्हें हम उनके बारे में हमें पता होगा तो वो काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल होगा। आप अपनी बुक से इन सबको रीड कीजिए। हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।